Hello, assalamu alaikum. Welcome to my first vlog. I am a mother of 2 years old boy. मेरे बेटे का नाम मामून है और मुझे स्वीडन में 5 साल हो चुके हैं आए हुए. मैं यहाँ पे 2014 में अगस्त में आई थी और फिर यहाँ पे आके मैंने मास्टर किया इन माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम योर स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी. और उसके बाद फिर मामून आ गए दुनिया में और मामून के बाद अब मैं बच्चे पालने में मास्टर कर रही हूँ. और मेरे हस्बैंड का नाम है वसीम. मेरे हस्बैंड को यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 to 13 ईयर्स हो गए हैं. 2006 में वो आए थे और फिर उन्होंने भी आके यहाँ पे मास्टर किया था और फिर बाद में उन्होंने जॉब की. मामून के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है. मुझे खुद भी शौक है कि मैं बच्चों से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करूँ. और स्वीडन में रहने की वजह से मुझे एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं बच्चों से रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज हासिल करूँ, क्योंकि स्वीडन इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर चिल्ड्रन हेल्थ एंड राइट्स. यहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है. मुझे यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड, कि बच्चे जब बीमार होते हैं तो ये फ़ौरन से मेडिसिन नहीं बच्चों को रिकमेंड कर देते कि बच्चा अगर बीमार है तो जल्दी से फौरी से इसको ये मेडिसिन दे दो और ये ठीक हो जाएगा. मैं खुद भी नहीं इस हक में कि बच्चों को जल्दी से मेडिसिन दी जाए. आपको वेट करना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर तक आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए कि बच्चों को मेडिसिन ना दें. हाँ, अगर उन्हें बहुत इन्फेक्शन हो गया कि आपको एंटीबायोटिक देनी पड़ती है तो फिर तो देनी पड़ती है. और यहाँ पे हर बच्चे की एक नर्स होती है. लाइक जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की पैदाइश के बाद वो बच्चे का वेट करना और फिर बच्चे की वैक्सीनेशन करना, ये सब कुछ वो खुद ही करते हैं. उन्होंने जो से उनके पास रिकॉर्ड होता है कि ये वैक्सीनेशन करनी है और ये सारा रिकॉर्ड रखना है हमने. ये माँ को या फादर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती. हर बच्चे की एक नर्स होती है. अगर हम वो उसको हमने कॉल करना है अगर कुछ हुआ है. और फिर वो शुरू में बच्चों का वो वीकली और फिर मंथली चेकअप होता रहता है कि उसका वेट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा. ये काफ़ी अच्छी केयर करते हैं. मामून के बाद जब ये मैंने सब कुछ सीखा और जो मैं अब सीख रही हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये मैं अपना नॉलेज आपके साथ भी शेयर करूँ. तो इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया. और अब कुछ वीक से पहले मुझे ख्याल आया कि मुझे स्वीडन की लाइफ भी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए. स्वीडन का मौसम जो है वो ज़्यादातर ठंडा रहता है. जब सही समर टाइम होता है तब यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा होता है, ना ज़्यादा ठंड होती है और गर्मी अब ज़्यादा होती है. पहले सालों में इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, अब ये लास्ट 2 ईयर से गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है. और 23, 28 ज़्यादातर 24, 25 तक टेम्परेचर जाता है. और फैन वगैरह की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे. स्वीडन में ये कहा जाता है कि 3 W जो है उनका कभी पता नहीं चलता. एक वेदर का नहीं पता चलता और यहाँ पे एक वेमेन का नहीं पता चलता वो कब चेंज हो जाए, वेदर भी कब चेंज हो जाए. और W यहाँ पे वर्क है, लाइक जॉब कभी भी चेंज हो सकती है आपकी. तो ये 3 चीज़ें हैं जो यहाँ पे कभी भी चेंज हो सकती हैं. तो इसलिए जब भी हम बाहर निकले अम्ब्रेला हम लोग साथ रखते हैं, उनके कभी भी ठंड हो सकती है, बारिश हो सकती है. तो यहाँ पे वेदर की समझ नहीं आती और ठंड यहाँ पे काफ़ी रहती है. अभी विंटर आने वाला है. अभी आजकल तो यहाँ मौसम अच्छा है लेकिन ठंड हो चुकी है, बाहर जैकेट्स वगैरह पहन के जाना पड़ती है. तो लेकिन जब विंटर होता है तो फिर तो सही फुल पैक होके जाना पड़ता है बाहर. अब आप मेरे चैनल पे व्लॉग्स भी देखा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा चैनल पसंद आएगा. सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.